Good morning, students. Today we are going to learn addition, subtraction, expansion form in mathematics. तो addition, subtraction ये सारी चीजें आप करते रहते हैं बहुत छोटे क्लासेस में भी. आप इससे पहले वाले क्लास में भी आपने addition, subtraction किया है. थोड़ा सा लेवल बढ़ता जाता है. तो अब addition आपको क्या करना है, पहले आप एक डिजिट का करते थे, अब आप दो डिजिट का करते हैं. जैसे एडिशन में क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहले आप क्या करते हैं, जैसे 4 और 3 आपको ऐड करता है. तो इनिशियल स्टेज में जब आपने स्टार्ट किया तो आपने कैसे किया, 4 लाइंस बना लिया, फिर 3 के लिए 3 लाइंस बना लिया, फिर उसके बाद इनको काउंट कर लिया 7. तो कैसे काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7, जितनी काउंट करके आई उन्हें आने. इसी तरह से जब दो डिजिट आता है 5 4 3 2 एडिशन, अब ये क्या कहलाता है, ये 1 स्पेस होता है, ये 10 स्पेस होता है. 1 स्पेस है, 10 स्पेस है. प्लेस क्या होती है, अभी हम लोग एक्सपेक्टेड फॉर्म में देखने जा रहे हैं इसको. यूनिट प्लेस या यूनिट प्लेस या फिर 1 स्पेस कहते हैं, और ये 10 स्पेस होता है क्योंकि 10 से ही मल्टीप्लाई किया जाता है. तो इसलिए ये है, पहले 1 स्पेस को हम लोग ऐड करेंगे और फिर उसके बाद 10 स्पेस को ऐड करते हैं. तो एडिशन में क्या है, 4 प्लस 2 दैट इज 6, और 10 स्पेस वाले में 5 प्लस 3 दैट इज 8. फिर कैरी ओवर भी हो जाता है. कैरी ओवर का मतलब जैसे 7 8 5 9, अब ये ऐड करना है. ये आपको 1 स्पेस है, ये 10 स्पेस है. अब यहां पर क्या है, 9 प्लस 8 That is 17. तो 17 होता है, 7 लेगा, यहाँ कैरी चला था. 7 plus 1, 8, 8 to 5, 13. 13 लेगा, ये addition. तो इस तरह का addition हम लोग करते हैं. तो addition में जो है आपके दो digits को कैसे add करना है, carry over करना है या नहीं करना है, तो कभी कभी carry over आगे चल करके आपको मिलेगा. अभी आपको इस तरह के questions करना है जहाँ carry over हो सकता है ना मिले. तो इसलिए जो है हम लोगों का ये एडिशन का पार्ट होगा. उसी तरह सब्ट्रैक्शन होता है. सब्ट्रैक्शन में क्या करते थे, जैसे 8 5 8 में से 5 को माइनस करना है. तो इसके लिए हम क्या करते थे, पहले 8 लाइंस खींच लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8. अब 5 लाइंस को कट कर देते थे, 1 2 3 4 5, 5 लाइंस कट कर दिए. जब 5 लाइंस कट कर दिया तो बची कितनी, 1 2 3 3 बची. ऐसे कर देते. फिर अब आप बड़े हो गए, आपने टेंस और वन प्लेस दो डिजिट का आने लगा, तो ये 6 2 5 1, इस माने ये इसमें से माइनस करना. तो अगर इसमें से माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1, और 6 माइनस 5 इज 1. तो ये जो है आपके इस तरह से हम लोग इसको माइनस कर रहे हैं. 2 में से 1 गया 1 आया, 6 में से 5 गया तो 1 आया. तो ये जो है आपके एक तरह से दो डिजिट का वो हो जाता है. अब देखिए, तो अब यहां पर क्या है, ये सिंपल आपका इसमें से 2 में से 1 चला गया, 6 में से 5 चला गया. इसी तरह कैरी ओवर वाला होता है. कैरी ओवर में क्या होता है, जैसे 10 स्पेस है, 1 स्पेस है. अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 54 माइनस 38. अब देखिए 4 में से 8 हम लोग माइनस कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां से एक कैरी ओवर करते हैं. जब एक कैरी करते हैं हम, तो 1 यहां ऐड हो जाता है, 1 यहां पे आ गया. तो अगर 4 था और अगर आप ऐसे 1 अगर इसको इधर ले जाकर यहां अगर लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 बन जाएगा. अब 14 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, दैट इज 6. अब 5 में से क्योंकि 1 उधर कैरी ओवर हुआ है, इसलिए 5 में से कितना बचा हुआ है, 4 बचा है. तो 4 में से 3 माइनस होगा कितना आएगा, दैट इज 1. तो इस तरह से जो है हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो कैरी ओवर वाले में क्या होता है कि जब हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं तो हमें एक कैरी करना पड़ता है. कैरी करने का मतलब उसको डबल डिजिट का बनाना पड़ता है. ऐसे अब ये 14 हो गया, तो जैसे ही हमने वन कैरी किया तो अब यहां पर आ गया, ये 14 हो गया. 14 में से 8 माइनस हुआ दैट इज 6,
फिर a क्योंकि यहां कैरी ओवर हो गया था, यहां बचा 4, 4 में से 3 माइनस हुआ दैट इज 1। क्लियर है बच्चों आपको, समझ में आ रहा है ना? तो ये जो है आपके एडिशन सब्ट्रैक्शन हो जाते हैं, जो कैरी ओवर पर जो है आपका एडिशन भी होता है और सब्ट्रैक्शन भी होता है। तो ये दोनों आपको प्रैक्टिस करना है, कैरी ओवर वाला एडिशन सब्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंशन कैसे करते हैं या किसी नंबर को कैसे एक्सपेंड करेंगे। अब देखिए जैसे हमने लिखा 67, इसको क्या पढ़ते हैं 67, 67 मतलब 60 प्लस 7, ये फॉर्म है। तो अब ये क्या है, ये वन स्पेस है और ये क्या है, ये है आपकी 10 स्पेस। तो वन स्पेस ये है और ये 10 स्पेस है, तो इसके मतलब ये कैसे आएगा, 6 को हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है और 7 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया है। तो 6 क्योंकि 10 स्पेस पर है इसलिए 6 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 7 क्योंकि 1 स्पेस पे है तो इसलिए 7 को 1 से मल्टीप्लाई। तो ये जो है आपके एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है। तो ये आपको बीच में नहीं लिखना होगा, आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिखेंगे या किसी को और कैसे लिख सकते हैं आप, 6 टेंस प्लस 7 वंस, कैसे भी लिख सकते हैं। तो 6 टेंस है और 7 वन है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में। फिर जैसे 93 कैसे लिखेंगे, 9 × 10 प्लस 3 × 1, या किसी को और कैसे लिख सकते हैं, 9 × 10 कितने हैं, 9, तो 9 × 10 प्लस 3 × 1, तो 1 जो है वो कितने हैं, 3 है, जबकि 10 कितने हैं, दैट इज 9। तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में या आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जितना भी आपके एक्सपेंडेड फॉर्म आता है, फिर देख लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल 37, ये हो गया आपका 1 स्पेस और ये हो गया 10 स्पेस, क्या करेंगे, 3 × 10 प्लस 7 × 1, या इसी को इनवर्स कैसे लिखेंगे, 3 × 10 प्लस 7 × 1, तो 3 × 10 मिला हुआ है और 7 × 1 मिले हुए हैं, दोनों को ऐड करने तब ये 37 बना है। तो ये जो है एक तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाता है एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंडेड फॉर्म भी इसी तरह से आपको दिया जाता है, आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, एडिशन में दिया है, सब्ट्रैक्शन में दिया है और एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है। इसको अच्छे से पहले समझ लीजिएगा तब उस एक्सरसाइज को आप करिएगा। थैंक यू।